कहते हैं होली के दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। नाराजगी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, होली के दिन समाप्त कर दी जाती है भाईचारे और मिलन के इस त्योहार में। जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के घर पहुंचे तो दोनों आपस में एक दूसरे को गले लगाते और ढेर सारी बातें करते नजर आए। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर मुलाकात की, काफी देर तक बातचीत की। वहीं बातचीत के बाद जब पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अनिल विज की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की नाराजगी से साफ इनकार किया। नमस्कार जी। होली का त्योहार होता है, उसमें सभी आपस में मिलना जुलना, एक भाईचारे के नाते से सब पुराने साथी मिलते हैं। तो आज मैं भी चौकी करनाल जा रहा था चंडीगढ़ से, तो उस नाते से अनिल जी संयोग से त्योहार का दिन सब घर में मिलते ही मिले हैं और एक प्रकार का हमने पुरानी यादें भी अपनी एक प्रकार से साझी की है कि लगातार 9.5 साल तक विधानसभा में हम दोनों रहे और मंत्री के नाते आप मैं मुख्यमंत्री के नाते आज हम अपनी बड़ी नई पोजीशन में अपना काम कर रहे हैं। उस नाते से एक अच्छा अनुभव शेयर करने के बाद हमको भी जरा सुकून मिला है कि अच्छी बातें शेयर की हमने। काफी दिन बाद मिले हैं, नाराजगियों की खबरें जो है वो आती रही थी। नहीं, काफी दिन नाराजगियां दूर ही होने का दिन है, लगातार मिलते रहे हैं। ऐसा कोई मिलना कोई हमला काफी दिन क्या, अभी विधानसभा में मिले थे, बाद में जो घटनाक्रम हुआ तब भी हम मिले हैं, हमारी बातचीत भी हो रही है। वो तो संयोग से आज इधर से निकल रहा था, कोई बड़ा लंबा जो और कोई नाराजगी हमारी कभी भी नहीं रही है। बताओ कभी कभी विज साहब ने कभी नाराजगी दिखाई हो या हमने कभी दिखाई हो? हाँ, स्वभाव अपना अपना होता है। विज साहब हमारे थोड़ा स्वभाव में कभी कभी कुछ कह देते हैं, बाद में ठीक भी होते हैं। हम भी कभी कभी उसको अपने मन पर लेते नहीं है, जाकर बात कर लेते हैं, हो जाता है। सर एक पुरानी कहावत है, बुरा ना मानो होली है, और होली तो एक बहाना है और रूठे हुओं को मनाना है। नहीं, हमारा कोई रूठा हुआ मामला नहीं है। आखिर होली एक भाईचारे का त्योहार है और भाईचारे के त्योहार पर सब मिलते जुलते हैं। आज मैं चंडीगढ़ भी बहुत लोगों को मिला हूँ, आज मैं पंचकुला बहुत लोगों को मिला हूँ, आज मैं यहाँ अनिल जी के पास भी आया हूँ, अभी करनाल भी जाकर के शाम तक बहुत लोग मिलेंगे। तो ये दिन वास्तव में मिलने जुलने का रहता ही है और मिलने जुलने के नाते से कोई रूठों को मनाने का विषय नहीं होता, एक भाईचारा कायम रहे उस नाते से लगातार मिलने जुलने का एक होली का। अब सब मिलते हैं, कुछ सबको रूठे थोड़ी होते हैं, सब अपने होते हैं, अपनों से मिलते हैं।